आप देख सकते हैं कि खातून रेलवे स्टेशन पर है, लेकिन तभी नमाज का वक्त हो जाता है और ये किसी की भी परवाह ना करते हुए अपनी नमाज को अदा करने लगती है। रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ते हुए इस खातून को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये खातून अपनी नमाज की पाबंद है। दोस्तों, ये आदमी मार्केट में आया हुआ था, तभी नमाज का वक्त हो जाता है और ये भाई किसी की भी परवाह नहीं करता है, वहीं रोड पर नमाज पढ़ने लगता है। और इस भाई को रोड पर नमाज पढ़ते हुए देखकर आसपास के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उन्हीं में एक लेडीज पुलिस भी होती है जो इस भाई को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और वहाँ पर खड़े सभी लोगों का ध्यान इस नमाजी की तरफ हो जाता है और ये नमाजी अपनी नमाज पढ़ने में लगा रहता है। सुभान अल्लाह, सभी मुसलमानों के दिलों में नमाज की ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए। दोस्तों, मुस्लिम लड़कों का ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है क्योंकि ये सभी लड़के अपने घर को छोड़कर पिकनिक पर घूमने के लिए आए थे और तभी नमाज का वक्त हो जाता है और ये सभी मुस्लिम लड़के खेत में नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। सुभान अल्लाह, ईमान का जज्बा और नमाज से मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए कि जब भी वक्त होया नमाज का तो फौरन नमाज पढ़ ली जाए। इस वीडियो को देखिए, ये माँ बहुत दिनों से अस्पताल में भर्ती है और ये शख्स इसका बेटा है जो अपनी माँ के बाल को संवार रहा है। ये बेटा अपनी माँ के बालों में कंघा करता है, में तेल लगाता है और उनको सुलझाता है। इस उम्र में भी ये बेटा अपनी माँ की खिदमत कर रहा है, माशाल्लाह। दोस्तों, ये छोटा सा बच्चा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर आता है और कितने प्यारे अंदाज में सलाम पेश करता है, माशाल्लाह। इस बच्चे के इस अंदाज को देखकर पास खड़े गार्ड भी इससे खुश हो जाते हैं और इसको अपने पास बुलाते हैं।